हेलो फ्रेंड्स, टेस्टी फूड टेल्स चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं शेयर करने वाली हूँ करेले की भुजिया, जो बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होता है। तो मेरे इस तरीके से एक बार ज़रूर करेले की भुजिया बनाइए, बड़ों के साथ साथ बच्चे भी मांग मांग के खाएंगे। तो यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होता है। तो चलिए करेले की भुजिया बनाते हैं। तो इसके लिए हमने यहाँ पर 300 ग्राम करेला लिया है और इसे अच्छे से धो के साफ़ कर लेंगे और राउंड शेप में कट कर लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं ना ज़्यादा मोटा है और ना ही ज़्यादा पतला है, बिल्कुल मीडियम साइज़ में हमने कट कर लिया है। तो अब इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर लेंगे और यहाँ पे हमने एक लेमन जूस लिया है। तो इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद हम इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ देंगे। तभी इसमें का जो भी कड़वापन है वो आसानी से निकल जाएगा और ज़्यादा कड़वा नहीं लगेगा करेला का भुजिया। तो इस तरीके से ये देखिए हमने मिक्स कर लिया है और अब इसे हम 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे, उसके बाद हम रेसिपी स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए करेले को 10 मिनट हो चुके हैं रेस्ट पे छोड़े हुए। तो अब इसमें का जो भी एक्सेस पानी है वो अच्छे से निचोड़ के हमें निकाल लेना है। तो इस तरीके से करेले को अच्छे से निचोड़ के इसमें से जो भी पानी है वो हम निकाल लेंगे और दूसरी बोल में ट्रांसफ़र कर देंगे इस तरीके से। अगर आपको लौकी की सब्जी पसंद है तो मेरे चैनल पर जाइए, लौकी की बेस्ट रेसिपी आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे हमने करेले में जो भी एक्सेस पानी था उसे अच्छे से निकाल लिया है और दूसरी बोल में ट्रांसफ़र कर दिया है। तो अब इसमें मसाला पाउडर ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा नमक ऐड किया है, तो नमक हमने पहले भी ऐड किया था तो नमक का क्वान्टिटी कम रखेंगे। अब इसमें आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और साथ ही यहाँ पे आधी छोटी चम्मच धनिया पाउडर जाएगा और आधी छोटी चम्मच भुनी हुई जीरा पाउडर ऐड करेंगे। तो जीरे को भून के तवे पर और उसे पीस लेना है। तो इस तरीके से मैंने भून के पीस लिया है। अब इसमें खाने की चमचा से 1.5 चम्मच बेसन ऐड करेंगे। तो बेसन का क्वांटिटी कम रखनी है, ज़्यादा यूज नहीं करना है, बस उतना ही यूज करना है जितना कि करेले पर अच्छे से मसाले कोट हो जाए। तो अब इसमें आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। तो मैंने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है और 1 चम्मच भर के सरसों का तेल ऐड करेंगे और इन सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और मिक्स करने के बाद हम नेक्स्ट प्रोसेस देखते हैं। अब यहाँ पे हमने एक कढ़ाई लिया है और कढ़ाई को अच्छे से गर्म कर लेते हैं। अब इसमें 2 चम्मच भर के सरसों का तेल ऐड करेंगे। आप चाहे तो कोई भी कुकिंग ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें आधी छोटी चम्मच सरसों का दाना जाएगा और आधी छोटी चम्मच जीरा ऐड करेंगे। अगर आपको सरसों का दाना का तड़के में फ्लेवर अच्छा नहीं लगता है तो यहाँ पे आप अजवाइन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और 1 पिंच हींग ऐड करेंगे और इन सभी मसालों को अच्छे से तड़कने देते हैं। तो ये देखिए अच्छे से मसाले क्रैकल हो चुके हैं। तो अब इसमें करेला ऐड कर देंगे। करेले को तड़के में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 2 मिनट तक मीडियम टू हाई फ्लेम करके करेले को अच्छे से पका लेंगे। उसके बाद लो फ्लेम पे अच्छे से ढक के पकाना है और बीच बीच में हमें चेक करते रहना है ताकि करेले नीचे से जले नहीं। तो इस तरीके से हमने मिक्स कर लिया है और कढ़ाई का लीड लगा देते हैं। अगर आप अभी तक रेस्टोरेंट स्टाइल भिंडी मसाला की रेसिपी चेक नहीं किया है तो जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेकआउट कीजिए और रेस्टोरेंट स्टाइल भिंडी मसाला बनाइए और फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। तो ये देखिए 2 से 3 मिनट तक हमने मीडियम टू हाई फ्लेम पे करेले को पका लिया है और ढक के हमने लो फ्लेम पे पकाया है। तो ये देखिए 50% करेले कुक हो चुकी है। तो अब इसमें 1 छोटी चम्मच आमचूर पाउडर ऐड करेंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और ढक के अच्छे से मीडियम टू लो फ्लेम पे हम पकाएंगे करेले को और बीच बीच में चेक करेंगे। तो ये देखिए अच्छे से करेले कुक हो चुकी है। तो चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए करेले अच्छे से टूटती है, इसका मतलब है करेले अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है। तो हमारा करेले का भुजिया बन के तैयार है। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। इस भुजिया को रोटी के साथ और दाल चावल के साथ सर्व कीजिए, बहुत ही डिलीशियस लगती है खाने में। तो हमने यहाँ पे दाल चावल के साथ सर्व किया है
और इन्जॉय किया है। तो ये देखिए हमने एक प्लेट में निकाल लिया है, बहुत ही डिलीशियस बन के तैयार हुआ है और बिना करवाट के। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, मेरे इस तरीके से बनाइए और फैमिली के साथ इन्जॉय कीजिए, और बच्चे भी मांग मांग के खाएंगे इस तरीके से बनाएंगे। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आप देखें, और फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।